थैंक यू जीसस. आप रेडी हो आज? आप रेडी हो? कौन कौन रेडी है? एक दूसरे को बोलो आप रेडी हो. हालेलुया. क्योंकि चेक करते रहना आपको. आमेन. और मैं आपको स्वागत करता हूँ आज फैमिली ऑफ जीसस मिनिस्ट्री में. और ये हमारा तीसरा क्या है, एनिवर्सरी है. आमेन. ये चर्च का एनिवर्सरी है और समथिंग टू शाउट अबाउट. आमेन. तो मैं चाहता हूँ हर एक लोग मैक्स अप नॉइस करे, कुछ ना कुछ आप चिल्लाना शुरू करें जोर से. आप कुछ भी बोल सकते हो. हालेलुया. आमीन. कुछ भी. आमीन. ये हम चौथा साल में रनिंग कर रहे हैं जब से हमारा मिनिस्ट्री शुरू हुआ है. सही तरीका से स्टार्ट तो हुआ हमारा 2016 से. आई थिंक पास्टर सपना ने अपने घर में क्या किया था, मिनिस्ट्री शुरू किया था. पर जो रियल मिनिस्ट्री जो शुरू हुई है वो 2021 से है. आमीन. सो मैं बिलीव करता हूँ ये और ग्रो करेगा और ग्रो करेगा और स्ट्रॉन्ग होता हुआ जाएगा यीशु के नाम से. आमीन. हालेलुया. तो आप में आज आपको वेलकम करता हूँ. और बहुत सारी चीजें हमारे बीच में और आज मीटिंग 1:30-2 बजे खत्म होगी. आमीन. तो जितने भी लोग हैं आप रेडी हो जाओ क्योंकि अभी मीटिंग का खत्म होने का टाइम ये स्टार्टिंग है. आमीन. हालेलुया. किस किस को पता है यीशु मसीह ने 5,000 भीड़ को खिलाया, 5,000 भीड़ को खाना खिलाया. आमीन. 5,000 बाइबल की दीदी उसमें देखती हो तो बाइबल की दीदी उसने 5,000 मैन को, पुरुष को क्या किया, खिलाया. पर पुरुष के पत्नी भी थे, उनके बच्चे भी थे. इसका मतलब यीशु मसीह ने एक बार में 5 रोटी और 2 मछली के द्वारा 20,000 भीड़ को खाना खिलाया. कितने हजार? 20,000 भीड़ को यीशु मसीह ने क्या किया, फीड किया, उसको खाना खिलाया. पर वही यीशु मसीह बोलता है कि जब तक पवित्र आत्मा ना आए तुम यरूशलेम को तुम्हें छोड़ना नहीं. तो 20,000 में से 120 अपर रूम के ऊपर थे जो पवित्र आत्मा का वेट कर रहे थे. आमीन. जस्ट इमेजिन 20,000 लोगों में से 120 निकल रहे हैं, बाकी कहां गए? उसको बोलते 20,000 में से 120 लोग ने निर्णय किया हम यीशु का चेला बनेंगे. देखो चेले और बिलीवर्स में 1,000 गुना फर्क है. चेले सबको डिनाई कर देंगे, प्रभु के पीछे चलेंगे. पर जो बिलीवर्स है वो फैमिली को पकड़ेगा. इसके रीजन से मैं नहीं पढ़ रहा हूं, उसके रीजन से मैं नहीं पढ़ रहा हूं. इसका मतलब आप डिसाइपल्स नहीं हो. यीशु क्या बोलता है, यदि तू मेरा चेला होना चाहता है अपने आप को डिनाई कर, बोलता अपने आप को इनकार कर और मेरे पीछे हो जा. यीशु मसीह के पास एक आके बोलता है एक लड़का, प्रभु मैं भी आपके पीछे चलना चाहता हूं. यीशु बोलता चल ले. बोलता पहले मुझे उन बुड्ढों को जो मेरे घर में हैं अपने माँ बाप को गाड़ने दे, देन आई फॉलो यू. बोलता है उसके बाद मैं फॉलो करूंगा. यीशु मसीह बोलता है कि मुर्दों को मुर्दे उनको छोड़ दे, पर वो छोड़ नहीं पाया. आमीन. कौन मेरी बातें समझ रहे हैं? आप समझ रहे हो? विश्वासी और डिसाइबल्स में फर्क है. कौन मेरी बातें समझ रहे हैं? यदि आप पढ़ोगे यीशु ने 5,000 लोगों को नहीं खिलाया था, 5,000 पुरुष थे, पुरुष के वाइफ्स भी होंगे उस समय. आपको पता है एक फैमिली के बच्चे बहुत थे. तो हमें पता है यीशु मसीह ने 20,000 से ऊपर लोगों को क्या किया, खाना खिलाया. पर वो भीड़ कहां गए? गायब. जब 120 के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा, अपर रूम के ऊपर, पेंटिकोस्ट के ऊपर नहीं, जो पेंटिकोस्ट के फेस्टिवल में आए थे उनके ऊपर नहीं उतरा, पर जो अपर रूम में बैठे हुए थे बाबा कहते होली स्पिरिट उनके ऊपर आया. आमीन. क्योंकि मेरी बातें समझ रहे हैं? तो ये दिखाता है कि भीड़ होने से ये मैंने ये एक साइन नहीं है कि वहां पे डिसाइपल्स हैं. आमीन. अब यीशु मसीह के चेले कब बनोगे? जब आप उसके पीछे कंप्लीटली चलते हो, उसके वचनों में कंप्लीटली चलते हो, कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हो वर्ल्ड के साथ. आमीन. आप सुन रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? आप सुन रहे हो? हालेलुया. बड़ा पावरफुल चीज है. मैं हमेशा बोलता हूं पास्टर सपना को कि भाई हम कोई नहीं है, हम बदल नहीं सकते लोगों को, मैं आपको चेंज नहीं कर सकता, इम्पॉसिबल. आमीन. इवन गॉड भी आपको चेंज नहीं कर सकता. बोलो इवन गॉड भी मुझे चेंज नहीं कर सकता. बोलो बोलो. परमेश्वर की आवाज तूफान भी सुनते हैं, परमेश्वर की आवाज अंधे की चीज भी सुनता है, परमेश्वर की आवाज चट्टान सुनते हैं,
परमेश्वर की आवाज हर वो नदी नाला बड़े बड़े माउंटेन सुनते हैं, पर इंसान खुदाबंद की आवाज नहीं सुनते। एक ही क्रिएचर है इस पृथ्वी में जो प्रभु की आवाज को डिनाई करते हैं, वो इंसान है। जब दुष्ट आत्मा को भी प्रभु बोलता है वो सुनते हैं, इवन जब आप बीमारी को भी बोलते हो वो सुनते हैं प्रभु की आवाज को। खाली सुनते नहीं, वो फॉलो करते हैं। पर जब इंसान की बारी आती है वो फॉलो नहीं करते, क्योंकि प्रभु ने इंसान को कभी भी रोबोट नहीं बनाया हुआ है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि आप रोबोट नहीं हो। प्रभु आपको रोबोट नहीं बना रहा है। पास्टर सब ने आपको बार बार बोल रहे, अपने आपको करेक्ट करो, तो आपको रोबोट नहीं बना रहे, जबकि लाइफ को सेट करना चाहते हैं। क्योंकि बाइबल क्लियरली बोलती है, यदि तू अच्छा दिन देखना चाहता है बुराई से दूर रहे। आमेन। तो इसका मतलब इम्पॉसिबल है आप बुराई में भी चल रहे हो और अच्छा दिन आएगा। नो, कभी नहीं आएगा वो। मैंने कहा लास्ट संडे आप जाके सीख सकते हो उन टीचिंग से, मैं अभी तक सीखता हूं। मैंने बोला भविष्यवाणी ऐसे पूरी नहीं होती, आपको सेपरेशन लाइफ जीना पड़ेगा, आपको अलग तरह जीवन जीना पड़ेगा, तब वो भविष्यवाणी पूरी होगी। आमेन। कितने सारे पास्टर सपना ने बोला था, कितने सारे लोगों के भी भविष्यवाणी हुई है, खुदाबंद आपको यूज करेगा, ये करेगा, वो करेगा, आज वो बोल रहे मिट्टी में मिल गए। व्हाई? क्योंकि वो डिसाइबल्स नहीं बन रहे, वो अभी भी किसी के सुन रहे, वो कंप्लीटली प्रभु के पीछे नहीं है, क्योंकि उनके फैमिली उनको रोक रही है, उनके बच्चे उनको रोक रहे, आपको समझ आ रही है, उनके पाप उनको रोक रहे, वो अपने पाप छोड़ नहीं पा रहे, वो फोन में गलत जो देखना वो छोड़ नहीं पा रहे, इसलिए प्रभु जैसा उनको देखना चाह रहा है वैसा बन नहीं पा रहे। आप समझ रहे हो? कौन मेरी बात समझ रहे? तो इवन गॉड भी आपको चेंज नहीं कर सकता। जस्ट इमेजिन, बाइबल कहती है कि परमेश्वर इंसान बन के आया इस पृथ्वी में, जिस पृथ्वी को उसने अपने शब्द से बनाया, वही परमेश्वर इसी पृथ्वी में आया जिस पृथ्वी को उसने बोल के बनाया था। ध्यान से सुनना, वो चल रहा है पर लोग उसको पत्थर मार रहे। जस्ट इमेजिन, गॉड को लोग पत्थर मार रहे, बोलो तू खुदा नहीं है, तूने हमें कैसे बनाया। इब्राहिम, यीशु मसीह कहता है कि इब्राहिम से पहले मैं था। आमेन। तो कितने सारे ज्यूस पत्थर उठाने लगे और बोलने लगे, तू 50 साल का नहीं है, तूने पापा गॉड इब्राहिम को कैसे देखा, वो तो सालों साल हो गए, वो तो सनातन से वो क्या हो गया, मरा हुआ है। क्योंकि मेरी बात समझ रहे, परमेश्वर इंसान बन के आया, जीसस क्राइस्ट इंसान बन के आया अपने लोगों के पास, पर उसके लोगों ने उसको रिसीव पहचाना नहीं, उसको पहचाना नहीं, उसको है ना, चुप करो। गॉड कहां पे आया? इस पृथ्वी में आया। आमेन। और उसके लोगों ने उसको पहचाना नहीं, लोगों ने अपनी मन मर्जी के अनुसार चीजों को बना दिया, ये मेरा है, ये मेरा, ये मेरा उद्धार करता है। पर जब गॉड आया लोगों ने रिजेक्ट किया। आपको पता है संसार में परमेश्वर से भी ज्यादा पावर शैतान का है। जब एक चर्च की ऑफरिंग की बात आती है, बिलीवर्स की मुंह बनती है, जब एक बाहर के लोग बोलते हैं हमें ये बनाना है, पूरे लोग खड़े हो जाते हैं और बन जाती हो, सबसे बड़ी दुखी बात है। आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? परमेश्वर के पास भी इतना सामर्थ्य नहीं है अभी इस संसार में कि शैतान के पास इतना है। शैतान के पास इतने फॉलोअर्स है जो प्रभु के लोगों के पास नहीं है। वाई? बाइबल की दिए पूरा संसार किसके कब्जे में? इवन बिलीवर्स भी उसके कब्जे में है। पूरे संसार की बात छोड़ दो, इवन बिलीवर्स भी आज उनके बेशक वो बिलीवर्स है, उनके काम देखोगे आप अलग है। आमेन। आप समझ रहे हो? Yes. आप समझ रहे हो? Yes. तो आप कभी भी अपने आप को प्रभु को बोलते हो ना, प्रभु मुझे चेंज कर दोगे? नहीं। कितने सारे लोग वेट कर रहे होंगे एक दिन पवित्र आत्मा आएगा मुझे चेंज करेगा। नो, वो आपको कभी नहीं करेगा। बाइबल की दिए एडम के पास परमेश्वर बोलता है, यदि तू उस फल को खाएगा तो क्या हो जाएगा? एक बार आया, दो बार आया, उसने फल खा गया। उसके बाद बोलता है एडम तू कहां पे है, वो छुपने लगा, बोला तूने फल खा लिया जिस फल को मैंने मना किया था, बोला जिस औरत को तूने दिया उसने मुझे दे दिया। आप समझ रहे हो? Yes. परमेश्वर बार बार नहीं आया, एडम रुक जा, क्योंकि प्रभु वही था। एडम रुक जा, मत खा, यदि तू खाएगा गड़बड़ हो जाएगा। फिर जस्ट इमेजिन, खुदा कभी किसी को जबरदस्ती,
कितने सारे लोग सोचते होंगे, आपको पता है जबरदस्ती चर्च में कौन कर रहा है? पास्टर खुदा कभी नहीं करता। और मेरे अंदर वही आदत है, पास्टर सुनना क्यों आपको जबरदस्ती करते हैं? क्योंकि आपसे प्यार करते हैं। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, और कुछ नहीं है। और मैं नहीं करता, हकीकत में इसलिए मैं केयर नहीं करता, समझ रहे हो? मेरे अंदर किसी के प्रति केयर नहीं है, मेरे अंदर फादरहुड नहीं है, फादर का हार्ट्स नहीं है। मैं तो नबी होने के लिए खुदा ने मुझे चुना हुआ है, नबियों के अंदर हार्ट्स नहीं होते, समझ रहे हो ना? जैसे केयरिंग वाला हार्ट्स मेरे अंदर नहीं है। कई बार बोलते तू ये है वो है, मैं रियल बात बता रहा हूँ, पर इनके अंदर है केयरिंग हार्ट्स। ये सोचते हैं लोगों के प्रति, मुझे किसी का केयर नहीं है, आपको रियल बता रहा हूँ, वो भी लाइव में। आमीन। मुझे खाली खुदा से केयर है, और मैं उन्हीं का केयर करता हूँ जो मेरे खुदा का केयर करते हैं, और मैं उन्हीं का आदर देता हूँ जो खुदा की वो आदर देते हैं। समझ आ रही है? मैं कंप्रोमाइज नहीं करता। वैसे का बोलो घमंडी है, प्रेज गॉड चलेगा, आपको समझ आ रही है? बोलोगे आप चलेगा, कोई नहीं, पर मेरे अंदर वो फादर हार्ट्स नहीं है ना, आप कभी पाओगे, क्योंकि जैसे प्रभु ने मुझे बनाया मैं ऐसा ही हूं, आपको समझ आ रही है? आपको बताए चेले कब बदले? पत्रस बताया आपको, 350 साल हो गया जब यीशु मसीह क्रूस में टंगने जा रहा था, उसको पकड़ने आ गए यीशु मसीह को, उसने तलवार निकाला, महायाजक के कान को उड़ा दिया उसने। 350 साल हो गए यीशु के साथ रहा हुआ, अभी भी गुस्सा है, अभी भी उसके अंदर गुस्सा। बाइबल के दिए 350 साल के अंदर जब यीशु मसीह क्रूस पे टंगने वाला था, उसने तलवार को निकाला, पटक से कान क्या हो गया, जस्ट इमेजिन, इतना खतरनाक गुस्सा। चलो पतरस तू चपेट मारता, तूने तलवार निकाल के कान उसके सिर कट जाता, समझ रहे हो? मुझे लगता है उसने सिर में मारने वाला था, पर कहां में लग गया, कैसे कान कर सकता है बताओ? उसने सोचा होगा इसका क्या कर दूंगा, पर उसका कान क्या हो गया? जस्ट इमेजिन, 350 साल तक यीशु के साथ रहा हुआ बंदा के अंदर अभी भी गुस्सा है। पास्टर साहब ने कई बार क्वेश्चन पूछे क्यों नहीं बदल रहे, मैंने बोला यीशु मसीह इतना खतरनाक प्रचारक था, पतरस के गुस्सा को शांत, भाई मैं कौन हूं? आपको समझ आ रही है? आपको एक चोर था यीशु मसीह के पास, वो यहूदा इस्कारियोत। बाइबल के दिया कि यीशु मसीह की मिनिस्ट्री का जो पैसा वो रखता था उसके पास थैली रहता था, और वो चोर है। बाइबल कहती है उसमें से वो निकालता था ऑफरिंग्स को, और वही यीशु मसीह के प्रचार से जगह बदल रहा है। वही यीशु मसीह के प्रचार से एक बेबीचारी ने, स्त्री बेबीचार छोड़ रही है, पर उसके चेले मैं आपको रियल चीज बता रहा हूं, सुन रहे हो? पर चेले कब बदले? जब पवित्र आत्मा आया। इसका मतलब यीशु मसीह ने बोल दिया भाई मेरा काम तुम्हारा चेंज करना, एक आत्मा आएगा जो तुम्हें चेंज कर देगा। आमीन। प्रॉब्लम्स क्या है? क्योंकि हम प्रार्थना में रहते नहीं है, और उसकी हजूरी हमारे ऊपर ज्यादा नहीं है, इसलिए हम चेंज नहीं हो पा रहे। हमें पाप को पाप नहीं लगता आज, हमारा जो माइंड है ना हमें गलत नहीं बोलता, ये काम कर रहा है तो सही कर रहा है। पर जब आप एक पवित्र लाइफ में जियोगे ना, एक गुनाह करते आपका मन आपको बोल देगा तू गलत कर रहा है, आप समझ रहे हो? तो इंसान को कौन सी चीज बदलेगा? पर मतलब पवित्र आत्मा का हजूरी, आपको समझ आ रही है? जिस दिन एडम और हवा अलग हो गए प्रभु के प्रेजेंस से, सारी बीमारी उनके लाइफ में आ गई। आपको पता है इंसान कभी भी बीमार होने के लिए प्रभु ने नहीं बनाया था, ना पहले वो कभी बीमार थे, पर आज सारे इंसान के अंदर एक चीज की कमी है, चाहे वो पैसा कमाए सब चीज हो, पर अभी भी उनके अंदर एक घटी लगेगा उनको, उनको कभी वो सेटिस्फाई नहीं होते, इवन वो कितनी भी पाप कर ले, एक अंदर की चीज है जो अभी भी उनको खोखला कर रहा है, वो खुदाबंद की हजूरी है। क्योंकि जब इंसान बनाए गए थे वो प्रभु के अंदर थे, प्रभु की हजूरी के अंदर थे, पर आज इंसान क्या हो रहे, इस पाप को कर रहे, उस पाप को कर रहे, अपने मन को सेटिस्फाई करने के लिए। पर वो सेटिस्फाई कब होंगे? जब पवित्र आत्मा से वो जुड़ जाएंगे। समझ रहे हो आप? आप समझ रहे हो? तो कौन सी चीज आपको अलग करेगा, चेंज करेगा? प्रेजेंस ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा का उपस्थिति,
पवित्र आत्मा का हजूरी आपको चेंज करेगा और आपको बदलेगा। पास्टर्स नहीं, प्रॉफिट नहीं, कोई टीचर नहीं, कोई प्रीचर नहीं, मैं आपको बदल नहीं सकता। मेरा काम है वर्ड देना। यदि होली स्पिरिट को आप अलाउ करते हो, काम करने के लिए मौका देते हो, आप बदलते जाओगे, आप चेंज होते हुए जाओगे। आमीन। पवित्र आत्मा को बताए, आपको बताएगा क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि मेरी बातें समझ रहे हैं। आप रेडी हो? एक वर्ड हम निकालेंगे। आप रेडी हो? आज मैं आपको सिखाऊंगा छोटा सा आधा घंटा के बीच में कि पर्पज और दूसरा प्लानिंग या प्रिपरेशंस, उसके बाद एक टाइमिंग, उद्देश्य और प्रिपरेशन ट्रेनिंग, उसके बाद एक टाइमिंग। आमीन। आप लिख सकते हो ये, यदि आपको समझ नहीं आया तो आप यूट्यूब से देख सकते हो ये। हालेलुया। तो एक इंसान के लाइफ में क्या होनी चाहिए, सबसे पहली चीज एक उद्देश्य। बाइबल कहती है जहां पे दर्शन नहीं है लोग क्या होंगे, नाश होंगे। आज हम क्यों नाश हो रहे, क्योंकि कोई दर्शन नहीं है। यदि आप बिना दर्शन के पैसे कमा रहे हो, मैं आपको बोल रहा हूं आज से छोड़ दो। यदि आप बिना दर्शन के जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, मैं बोल रहा हूं आप छोड़ दो, मत करो। यदि बिना दर्शन के आप पढ़ाई कर रहे हो, आप छोड़ दो। आमीन। क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंस है कि आप एक उद्देश्य को आप लेके चलो। आमीन। आपको था यीशु मसीह का इस संसार में आने का उद्देश्य था, पर्पस था। आमीन। क्योंकि मेरी बात समझ रहे, परमेश्वर का उद्देश्य है आज भी संसार में, इस संसार के प्रति, कि कोई भी नाश ना हो पर वो अनंत जीवन पाए। इवन परमेश्वर के पास भी एक पर्पज है। आप बोलते हो पास्टर जी मेरे लाइफ में तो कोई पर्पज नहीं है। नहीं, एक छोटा सा सुई भी, उसका भी पर्पज है। इस माइक का पर्पज है, एक टोपी का पर्पज है, चेयर्स का पर्पज है, और आप बोल रहे हो, आप इंसान हो, बोलने वाले इंसान, आप बोल रहे हो मेरा तो कोई पर्पज नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही पैदा हो गया, मेरी माँ ने क्या कर दिया, पैदा कर दिया मुझे। नो, आपका एक पर्पज है इस संसार में, इस अर्थ में। यदि आप उस पर्पज के अनुसार चलोगे, आप सफल होते हुए जाओगे, आप आगे बढ़ते हुए जाओगे। आमीन। क्योंकि मेरी बातें समझ रहे हैं। तो सबसे पहली चीज, अपने पर्पज को पहचानना बड़ा इंपॉर्टेंस है। क्योंकि मेरी बातें समझ रहे, पहला यूहन्ना 3:5 पढ़े। पहला यूहन्ना 3:5, यीशु मसीह का आने का उद्देश्य था, वो क्यों आया। आमीन। पहला यूहन्ना 3:5 जल्दी से पढ़े। हाँ जी, तुम जानते हो कि वो इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हरा ले जाए। आपको समझ आ रही है, यीशु मसीह क्यों आए? बाबा कहते वो इसलिए प्रकट हुए, इसलिए वो आए, एक पर्पज है कि वो क्या करे, सारे पापों को क्या करे, उठा ले जाए। किसके पाप? हमारे पाप, आपके पाप। आमीन। तो यीशु मसीह का भी एक उद्देश्य था कि उन्होंने क्या किया, खाली वो आए नहीं, वो अपने उद्देश्य में बने रहे। क्योंकि मेरी बातें समझ रहे, वो अपने उद्देश्य में बने रहे कि मुझे क्या करना है, अपने आप को पवित्र रखना है और इंसान जाति को क्या करना है, उनको पापों से आजाद करना है, बीमारियों से आजाद करना है, बंधनों से आजाद करना है। उसने कोड़े क्यों खाए, एक उद्देश्य है। उसने अपने लहू क्यों बहाया, एक उद्देश्य है। आमीन। तो हर एक चीजों के ऊपर क्या है, एक उद्देश्य है। यीशु मसीह स्वर्ग से क्यों आए, ताकि एक उद्देश्य को लेकर, ताकि इंसान जाति को क्या करे, पापों से आजाद करें। क्योंकि मेरी बातें समझ रहे, आप समझ रहे हो? बोलो उद्देश्य, एक पर्पस। हालेलुया। हम पढ़ेंगे यूहन्ना 3:16। यूहन्ना 3:16, थैंक यू लॉर्ड जीसस। हे गरनास मरुजे क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। देखो, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, उसने अपना एकलौता पुत्र क्या कर दिया, हाँ, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो परमेश्वर का उद्देश्य क्या है संसार के लिए, कि ये सारा संसार यीशु के ऊपर विश्वास करे और वो नाश ना हो पर क्या पाए, अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन का मतलब है वो स्वर्ग नहीं है, कभी ना खत्म होने वाला जीवन। लोग सोचते होंगे मरने के बाद हमें अनंत जीवन मिलेगा, नहीं। जिस दिन आप विश्वास करते हो, उसी दिन परमेश्वर का जीवन आपके अंदर आता है। जो जीवन है उसको बोलते हैं जोई लाइफ।
जोए का मतलब है परमेश्वर जो जीवन अभी जी रहा है वही जीवन उसने आपको और मुझे दे दिया। तो अब उस जीवन में आप बीमार नहीं रह सकते, उस जीवन में आप कभी भी आपको कैंसर नहीं हो सकता, आपको डायबिटीज पकड़ नहीं सकता, क्योंकि अब जो जीवन आप जी रहे हो वो आपका नहीं है, जो जीवन अभी आप जी रहे हो वो परमेश्वर का है। कभी आपने देखा यीशु मसीह बीमार होता हुआ? बाइबल में आपको कभी नहीं मिलेगा। और नॉट इवन आप यीशु मसीह के चेले बीमार होता हुआ आप कभी पाओगे, क्योंकि यीशु मसीह खुद कहते हैं यदि कोई मेरे पीछे चलेगा वो अंधकार में कभी चलेगा नहीं, पर वो क्या करेगा? ज्योति में चलेगा। आमेन। तो यीशु का जीवन आज किसके अंदर है? आपके अंदर है। बोलो, परमेश्वर का जीवन मेरे अंदर है। इस जीवन में खुदावंत कभी भी आपको बोल, देखो ये जीवन में आप बीमार नहीं रह सकते हो। अभी आप जो जीवन जी रहे हो ना, इसमें लाइफ है जो एक मरा हुआ व्यक्ति को क्या कर सकता है? जीवित कर सकता है। आमेन। क्योंकि मेरी बात समझ रहे हैं। पर बिलीवर्स क्या है, वो रेवलेशंस को जानते नहीं, इसलिए वो नाश हो रहे हैं। समझ रहे हो आप मैं क्या बोल रहा हूं? बाइबल कहती है कि परमेश्वर का एक उद्देश्य था कि जो कोई यीशु के ऊपर विश्वास करे वो नाश ना हो पर वो क्या पाए? इटर्नल लाइफ पाए, अनंत जीवन पाए, जो कभी ना खत्म होने वाला जीवन। तो वो जीवन आपको अमर करेगा। परमेश्वर कभी मरता है? तो आप भी कभी नहीं मरोगे। लेट मी टेल यू वन थिंग, लोगों को लगता है कि हम मर जाएंगे, नहीं। जब आप मर जाते हो आपका शरीर क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। आपका आत्मा क्या हो जाता है? डिपार्ट हो जाता है। आपके इस शरीर से क्या हो जाएगा? वो आत्मा निकल जाएगा। तो वो आत्मा या तो स्वर्ग जाएगा या तो नरक जाएगा। तो अब आप शरीर नहीं हो, आप कौन हो? आत्मा हो। तो जब आपका ये शरीर का दिन खत्म हो जाएगा तो आपका आत्मा क्या हो जाएगा? यहां पे लीगल नहीं होगा, इलीगल हो जाएगा। फिर अब भी संसार में आप रह नहीं सकते हो क्योंकि आपके पास बॉडी नहीं है। तो आपको कहां पे जाना पड़ेगा? दो ऑप्शन है, या तो स्वर्ग या तो स्वर्ग कौन जाएंगे? जो यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं, जिनके अंदर यीशु मसीह का क्या है? धार्मिकता है। पर नरक कौन जाएंगे? जिन्होंने यीशु के ऊपर बिलीव नहीं किया। तो लोगों को लगता है कि मरने के बाद कोई लाइफ नहीं है। नहीं 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 नहीं, आपका आत्मा अभी भी जीवित है। तो आपका आत्मा डायरेक्टली हेल में जाएगा। कहां पे जाएगा? नरक में जाएगा। और नरक में आपको एक बॉडी दिया जाएगा ताकि आप क्या कर सको? वहां पे फ्राई की जा सको। आपको समझ आ रही है? जो मेरे स्पिरिचुअल फादर प्रॉफिट डेविड एंजल जब वो नरक में गए थे विजन्स में, दर्शन में, जब वो गए नरक के बाहर, वहां पे लिखा हुआ है वेलकम टू हेल, आपको स्वागत है नरक में। बाहर लिखा हुआ है वेलकम टू हेल। पापा बोलने लगे कि ये क्या है, क्योंकि नरक तुम्हें वेलकम कर रहा है। परमेश्वर बोलने के नरक तुम्हें क्या कर रहा है? तो परमेश्वर ने इसलिए लेके गया उनको ताकि तू बता लोगों को कि नरक में क्या है। जाते ही बदबू आया। कभी आपने चिकन बनाया, फ्राई किया है? मैं तो करता हूं। अब बता, चिकन ज्यादा से ज्यादा मैं बनाता हूं अपने घर में। आई लव इट। आमेन। जब आप चिकन फ्राई करते हो क्या होता है? स्मेल्स आती है। लोगों के जलने का स्मेल उनके नाक में आया, बदबू आ रहा है, वो ऐसे करने लगे। उन्होंने बोला पापा ये क्या है? परमेश्वर से पूछने के क्या हो रहा है? उन्होंने बोला लोग क्या कर रहे हैं? जल रहे। आपको समझ आ रही है? हमें लगता होगा सब लोग फ्राई करेंगे। नहीं नहीं, लोगों के कामों के अनुसार लोग तड़पेंगे। लोगों के कामों के अनुसार वो, यदि आपने कम पाप किया है आप कम तड़पोगे, यदि आपने ज्यादा पाप किया है ज्यादा तड़पोगे। वो गए, उसके बाद वहां पे देख रहे बेबीचार करने वाले हैं, वहां पर भी बेबीचार कर रहे हैं आग में। जस्ट इमेजिन, चोरी करने वाले वहां पे क्या कर रहे? एक दूसरे को मार रहे हैं नरक में। पर उसके बाद पापा ने बोला कहां पे शैतान है? शैतान का भी टाइम। परमेश्वर ने बोला कि मैंने नरक को शैतान के लिए, उसके दूतों के लिए बनाया था, पर मेरे बच्चे नरक में क्यों आ रहे? क्योंकि इन्होंने यीशु को रिजेक्ट किया। ये वो बंदे जिन्होंने यीशु को सुना पर उन्होंने रिसीव नहीं किया अपने लाइफ में, लेके नहीं आए। इसका मतलब हर एक बंदा जो नरक में, सबने यीशु को सुना था। समझ रहे हो आप? कोई नहीं बोल सकता कि कोई मेरे पास सुसमाचार लेके नहीं आया। इम्पॉसिबल। कैसे ना कैसे बहाना से यीशु मसीह का सुसमाचार उन्होंने, पर उन्होंने रिजेक्ट कर दिया।
परमेश्वर ने भी बोलने लगा, मैंने इनको लेके नहीं आया, ये खुद आए। इसे तो लिखा हुआ है नरक के बाहर, वेलकम टू हेल, आपको स्वागत है। आपको समझ आ रही है? वहां पे स्मेल्स आ रही है, बॉडी जलता जा रहा है, हड्डी दिख रही है, फिर से नया बॉडी, फिर से वो तड़प रहे, लोग चिल्ला रहे नरक के अंदर, वो विजन्स में देख रहे थे, बोलते इतना खतरनाक बदबू नरक के अंदर इसका कोई। उन्होंने बोलने का, परमेश्वर मुझे ऐसे निकाल, मुझे लेके जा। परमेश्वर ने बोला जा और लिखिए, जो चीज तूने देखा है लिख ले और अपने अपने सन्स एंड डॉटर को सिखा दो। आमेन। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, ये रियलिटी से ये लाइफ जो ना छोड़ दो, मरने के बाद कोई लाइफ नहीं है, पागल हो, ऐसा कुछ नहीं है। ये पता कौन सोचता है? जो करप्टेड है, जो अंधकार में चल रहा है, वो खुद अंधा है। वो अंधा, बाइबल कहते हैं अंधा अंधे को क्या करेंगे? यदि आपके दोस्त अंधे होंगे आप भी अंधे हो जाओगे, पर हम अंधे नहीं है। आमेन। परमेश्वर इसलिए आया ताकि आप उस नरक में ना जाओ। यीशु मसीह का आने का पर्पस वो है, ताकि आप उस धधकती हुई आग में ना जाओ जो शैतान और उसके दूत के लिए बनाए गए। तो यीशु मसीह का क्या था उद्देश्य? था क्या उद्देश्य? था कि इंसान को फिर से प्रभु से एक कर ले और उनको अपना जीवन दे इंसान को। आपको समझ आ रही है? कौन कौन मेरी बातें समझ रहे हैं? आप समझ रहे हो? तो परमेश्वर का पर्पज है, मैंने आपको बोला 3:16, ये सबसे बड़ा बाइबल के गोल्डन वर्ड्स बोलते हैं इसको। ये खुदाबंद का दिल है। यदि आप बोलते हो ना प्रभु का क्या उद्देश्य है, यही उद्देश्य है। सेम आपके ऊपर भी उद्देश्य है। परमेश्वर क्या बोलता है? मेरा बोलता है कि आई हैव अ प्लान फॉर यू। परमेश्वर बोलता है जर्मयाह में, यदि आप 29 वर्ड्स पढ़ोगे उसमें लिखा हुआ है आई हैव अ प्लान फॉर यू, बोलता है कि मेरे पास प्लान है तेरे लिए, हर एक के लिए। जो आप देख रहे हो ना यहाँ पे, जो बैठे हुए, जो ऑनलाइन देख रहे, हर एक के लिए क्या है? प्लान्स है। उसने मेरे लिए प्लान्स बताया, बोलता है एक प्लान है आकाश तेरे लिए और तेरे खानदान के लिए। वो हानि की नहीं है, वो तुझे हर्ट नहीं करेगा, वो तुझे नाश नहीं करेगा, पर वो तुझे क्या करेगा? प्रॉस्पर करेगा, वो तुझे समृद्ध करेगा। तो इसका मतलब परमेश्वर के पास भी आपके लिए उद्देश्य है। समझ रहे हो? आप बोल रहे मैं तो बिना उद्देश्य का चल रहा हूं। नो, बाइबल पढ़ो, उद्देश्य से भरा हुआ है बाइबल। प्रभु बोलता है एक प्लान है, वो आपका नाम लेके बोलेगा राधा आई हैव अ प्लान फॉर यू, बोलता है गणेश आई हैव अ प्लान फॉर यू, बबली आई हैव अ प्लान फॉर यू, सत्येंद्र आई हैव अ प्लान फॉर यू। ये प्लान तुझे नाश नहीं करेगा, ये प्लान तेरे जेनरेशन को, ये प्लान तेरे जेनरेशन को प्रॉस्पर करेगा और माइटी करेगा। हालेलुया। आपको समझ आ रही है? और मैंने उस प्लान को अपना बना लिया। जब आपके पास उद्देश्य आता है तो आप फ्री नहीं रहते हो चुगली करने के लिए। आपको पता है चुगली कौन करते? मूवीज कौन देखते हैं? जिनके पास टाइम बहुत है, है कि नहीं? कौन से बंदे गलत काम देखेंगे जिनके पास टाइम है, फ्री है बंदे? पर मैं और आप, हमें बिजी होना है उस प्लान के प्रति। आपको पता है क्रिस्टियानो रोनाल्डो? पता है आपको? आपको पता है वो बंदा का खाना आप देखोगे ना अलग है जैसा आप खाते हो। वो अरबपति है। आपको पता है उसका ट्रेनिंग कितनी है? बहुत घंटा ट्रेनिंग है उसका। यदि आप देखोगे वो 7 घंटे से भी कम सोते हैं। आपको समझ आ रही है? ये फुटबॉलर है, इसके पास करोड़ों रुपया है, पर इसको क्या देखना है? मेडल जीतना है। क्या जीतना है? बैलून डोर जीतना है। इसको स्कोर करना है। बोलता है कि मैं सबसे ज्यादा हाई स्कोर करूंगा। 38 साल का हो गया है, अभी भी सबसे ज्यादा ट्रेनिंग करता है। सब लोग जिम छोड़ के चले जाएंगे पर वो बना रहता है वहीं पे, जिम करता रहता है। बोलता है मुझे और स्कोर करना है, मुझे और गोल को क्या करना है? करना है। मुझे और बिग अचीवमेंट अपने लाइफ में लेके आना है। तो बोलता है मैं सोता नहीं हूं, मैं ट्रेनिंग में जाता हूं। वो अपने आप को अलग करता है। किलियन एम्बापे हो गए, पॉल, आपको समझ आ रही है? जितने भी फुटबॉलर 17 साल के 18 साल के, सच में मैं कई बार आपको, मैं अपने आप को देखता हूं ना, खुदाबंद मुझे भी क्या करना है? तू है ना मुझे 12 साल में चुनता, कहा है तू यहां 19 साल में तूने मुझे चुन लिया है। आपको पता है 17 साल का
फुटबॉलर करोड़पति बन चुका है. आपको पता है उनके उनके उनकी जो ट्रेनिंग आप देखोगे ना, वो ये संसार में नहीं रहते हैं जैसे आप सोच रहे हो. जैसे आप वीडियो गेम खेलते हो वो नहीं करते. जैसे आप मूवीज देखते हो, आपको पता है ये सीरीज आ गया, ओके ओके ओके, तुझे पता है वो सीरियल नया आ रहा है, ओके आप देखेंगे. वो ऐसा लाइफ नहीं जीते. उनको पता है पर्पज, उनको पता है पर्पज, उनको पता है उद्देश्य. तो यदि आपको उद्देश्य पता है, आप ऐसा फालतू लाइफ नहीं जियोगे, आप बिजी रहोगे, है कि नहीं. यदि आपको पता है, खुदा ने आपको नबी बोलने के लिए बोल दी हुई है, नबी की भविष्यवाणी तो होगी, पर आपका ट्रेनिंग क्या है, संसारिक है. अभी भी आप क्या हो, संसार में मस्त हो. मैं कल ऑनलाइन में बोल रहा था, परमेश्वर ने आपके दोस्तों को क्यों आपको आपसे अलग कर दिया, क्योंकि आपको पता नहीं है क्यों वो अलग हुए. क्योंकि परमेश्वर जानता है जो कन्वर्सेशन जो आपके दोस्त आपके पीछे से करते हैं, खुदा जानता है. आमीन. आप बोलते हो पास्टर जी इतनी अच्छी सी वो बातें करती थी, इवन हमने बैठ के खाना खाया है, उनके घर में क्या किया है, पर आज हम एक भाई वो खुदा ने तोड़ा है. क्योंकि जिसको तू अच्छा बोलता है ना, वो तेरे पीठ पीछे चुगली करती है. ये तुझे नहीं पता, पर तेरे पापा गॉड को पता है, ये तेरे परमेश्वर को पता है. आमीन. तो परमेश्वर ने बोला तू मेरे दास के लिए चुगली करता है ना, तो मैं क्या करूंगा ये रिश्ता को. यदि आप सही खुदा में सच में आप सही हो ना, आपके फ्रेंड्स भी वो चूज करेगा. हाँ, आपके कपड़ों को भी वो चूज करेगा, तुझे कौन से कपड़े पहनना है. समझ आ रही है. पहले मैं पता क्या करता था, प्रभु में आया था जब छोटे छोटे था, प्रभु में. समझ आ रही, छोटे का मतलब आत्मा में कमजोर. मैं किसी को देख रहा हूँ प्रभु में, यीशु मसीह के टैटूज लगा रहे हैं यहाँ पे. हाँ, यहाँ पे टैटूज. कोई पेंट क्या कर रहे हैं, फटा हुआ. मेरे अंदर भी आ गया भाई, हम भी क्या करेंगे. मैंने मम्मी को बोला, मम्मी बाइबल कॉलेज में था, मुझे आते टैटू मारना है. बोले क्या बोल रहे, तू टैटू मारेगा. मुझे यीशु मसीह का टैटू मारना. आपको समझ आ रही है, सब के लिए. मुझे मैंने अपने स्पिरिचुअल फादर को सुना, मैं आजाद हो गया इन चीजों से. ये स्पिरिट्स है. आमीन. जब अपने आप को आज मैं फटा हुआ कपड़ा पहनता हूँ ना, मैं बोलता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ. मुझे घिनाती है अपने ऊपर, मुझे शर्म आती है. मैं बोला मैं खुदा को लेके चल रहा हूँ, और कौन सी कपड़ा. तुझे पता है मैं जगत का ज्योति हूँ, और लड़की के ना आधा पहन के चल रहे. आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड. नो नो नो, तुम अंधकार हो इस संसार के. आपके कपड़े दिखा देगा आप जगत की ज्योति हो या जगत के अंधकार हो. सच बोल रहा हूं मैं आपको. आमीन. कौन को मेरी बात समझ रहे. इवन परमेश्वर बोलेगा तुझे कैसा हेयर स्टाइल रखना है, बोलता है. मैं आपको रियल चीज बता रहा हूं, तुझे कैसे कपड़ा पहनना है, तुझे कैसे बोलना है, कैसे चलना है, हर वो चीज खुदा सिखाता है. कब, जब आप उसको अपना समझते हो. जब आप अपना उसको समझते हो ना, तो वो आपके जो आपके है ना अपने, उसको तोड़ना शुरू करेगा जो आपके साथ सही नहीं है. समझ आ रही है. कई बार प्रभु जबरदस्ती झगड़ा को शुरू कर देगा जिसे आप प्यार करते हो, ताकि आप निकल जाओ उससे. क्योंकि मेरी बात समझ रहे. तो जितने भी आप बड़े बड़े लोगों को देखते हो जो आज सक्सेस है, उनके पास एक पर्पस था, एक उद्देश्य था, और उद्देश्य के अनुसार वो चलने लगे. अब मैं पास्टर हूं, अब पास्टर हो के मैं गलत गलत काम करूं, संसार के से काम करूं, कभी मैं सक्सेसफुल होगा, कभी नहीं. तो मुझे सक्सेसफुल होने के लिए मुझे अपने आप को अलग करना पड़ेगा, और पास्टर्स की कॉलिंग में चलना पड़ेगा, जो वो काम करते करना पड़ेगा, तभी मैं एक सक्सेसफुल पास्टर बन पाऊंगा. एक उद्देश्य तो आ गया आपके लिए, वो आपको बढ़ाएगा, ब्लेस करेगा, प्रॉस्पर करेगा, अमीर करेगा, बिजनेसमैन बनाएगा. और आप किसके साथ रह रहे हो, जिनके पास बुद्धि तक नहीं है. आमीन. समझ आ रही है. तो यदि आप बिजनेसमैन बनना चाहते हो, उन बंदों के साथ ज्यादा रहो जो बिजनेस करते हैं. यदि आप नबी बनना चाहते हो, आप नबियों के साथ ज्यादा रहो आप. यदि आप एक टीचर बनना चाहते हो, टीचर के साथ ज्यादा आप क्या करो, टाइम स्पेंड करो. ऐसा करने से आप अपने उद्देश्य को पूरा कर पाओगे. मैं बच्चों को पूछता हूँ आप क्या बनना चाहते हो, वो बोलते मैंने कौन सा सब्जेक्ट लिया, साइंस. ओके ओके, साइंस लिया, ओके. आप क्या बनना चाहते हो, मतलब बनना तो कुछ और चाहता था पास्टर जी, पर मेरे मम्मी ने क्या बोल दिया, तुझे ये करना है. आपको आपको कभी लगता है वो सक्सेस होंगे, इम्पॉसिबल. यदि आपका पैशन गाना गाना है, और आप क्या कर रहे हो, ढोलकी बजा रहे हो, कैसे आप सक्सेस होंगे. मेरा पैशन क्या है, प्रचार करना, और मैं बोल रहा हूँ नहीं नहीं आज से मैं वर्शिप करूंगा.
इसको मैं अपना पैशन बनाऊंगा. नो, जो तेरे अंदर गिफ्ट है ना उसको क्या कर, शार्प कर. जो तेरे अंदर खुदा ने गिफ्ट डाला, लोग गिटार बजा बजा के करोड़ों कमा रहे. सही बोल रहा हूं मैं आपको. लोग ढोलकी बजा बजा के क्या कर रहे, लाखों कमा रहे, क्योंकि उन्होंने अपने गिफ्ट को क्या किया, टाइम दिया. समझ आ रही है? लोग वर्शिप कर करके लोग प्रभु उनको ऐसा ब्लेस कर रहा है. आपको समझ नहीं आ रही? जितने भी आप बड़े बड़े वर्शिपर्स देखते हो, उन्होंने टाइम दिया अपने आपको. जितने भी आप बड़े बड़े प्रचारक देखते हो, उन्होंने अपने कॉलिंग्स के ऊपर टाइम दिया, उसके अनुसार वो चले, इसलिए आज वो सफल है. आप समझ रहे हो? यीशु मसीह के पास क्या आया, एक कॉलिंग आया, पर्पज आया कि तुझे क्या करना है, पूरे संसार को क्या करना है, बचाना. एक वर्ड्स पढ़ेंगे, पहला ही होना 3:8. मुझे जल्दी से खत्म करना है, प्लीज होली स्पिरिट मुझे हेल्प करे. जो प्रेम नहीं रखता, जो नहीं, 3:8 पहला ही होना, 3:8 1 John 3:8 3:8 हाँ जी. जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है. हाँ जी. क्योंकि शैतान आरंभ से पाप करता आया है. परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ है. परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ, शैतान के कामों को नाश करे. वो इसलिए आया था कि शैतान के कामों को नाश करे. तभी आपने देखा यीशु मसीह शैतान से लड़ता हुआ, उसने कैसे नाश किया, सुसमाचार सुना के. यीशु मसीह ने शैतान के राज्य को कैसे क्या किया, कैसे खत्म किया, जब उसने लंगड़ों को चलाया, अंधों को आंखें दिया, बीमारों को चंगा किया. आमीन. टूटे हुए को क्या दिया, सामर्थ दिया, उनको जोड़ा, उनको शांति दिया. तो यीशु मसीह ने परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा क्या किया, शैतान के राज्य को क्या किया, खत्म करता गया. आपको समझ आ रही है? ये पर्पस था यीशु का. आमीन. हम पढ़ेंगे लुका 2:45 जल्दी से. लुका 2:45 जीना माधुरो शक्रा देजा. जल्दी से, यदि किसी को. हाँ. पर जब नहीं मिला तो ढूंढते ढूंढते यरूशलेम को फिर लौट गए. आपको पता है यीशु मसीह के जो मम्मी पापा थे वो ढूंढने गए यीशु मसीह को जब वो 12 साल का था. नहीं मिला तो कहाँ पे गए वो, यरूशलेम को गए. हाँ. और 3 दिन के बाद उन्होंने उसे मंदिर में उपस्थित यीशु मसीह में बैठे. इतना छोटा, हाँ, बड़े पूरा परे आप. और 3 दिन के बाद उन्होंने उसे मंदिर में उपदेश के बीच में बैठे और उसके सुनते और उससे उससे प्रसन्न करते हुए पाया. समझ आ रही है? यीशु मसीह जब 12 साल के थे वो 3 दिन तक क्या रहे, गायब. उनके उनके माँ बाप ढूंढ रहे, परेशान हो गए, यीशु कहाँ गया, खो गया यीशु. कोई छोटा सा था. और बाबा कहते यीशु मसीह को वो मिल गए यरूशलेम के मंदिर में. जो शास्त्री और फरीसी थे उनसे पूछते हुए क्वेश्चंस, आमीन, और उनसे सीखते हुए मिले. आप क्वेश्चंस कब पूछोगे, जब आपको कुछ पता है, है कि नहीं? तो आप, मैं कई बार बोलता हूं आपको क्वेश्चंस है तो आप बताओ, क्योंकि आप बाइबल कभी पढ़ते नहीं हो इसलिए क्वेश्चंस नहीं है. तो यीशु मसीह तोरा को पढ़ते थे, पुराने नियम को पढ़ते थे. मैंने क्या बोला, यीशु मसीह को रट्टा था 12 साल 13 साल की उम्र में पुराने नियम. और आजकल के हमारे बच्चे कितने साल के हो गए, 18 साल के हो गए, 20 साल के हो गए. आज तक उनको बाइबल की 66 जो बुक्स के नाम भी याद नहीं है. समझ आ रही है? ये वो यीशु मसीह थे जब छोटे छोटे थे. बाइबल कहती है वो पास्टर से जाके क्वेश्चंस पूछ रहे हैं. इसका मतलब आप बताओ, छोटा सा उम्र का, इसका मतलब यीशु मसीह छोटे से ही अपने पापा के उद्देश्य में थे, है कि नहीं? ये बाइबल प्रूव करती है यीशु मसीह के पास एक उद्देश्य आया, पर वो बचपन से ही क्या रहे, उस उद्देश्य में प्लानिंग बनाने लगे कि कैसे मुझे उस उद्देश्य को क्या करना है, पूरा करना है. पहले क्या है, उद्देश्य, उसके बाद प्रिपरेशन, प्लानिंग. आमीन. आप पढ़े इसी को 52 पढ़े, इसी का 2:52. और यीशु पुत्री और हाँ जी में और परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया. आप कहते यीशु मसीह बुद्धि में और डील डोर में और परमेश्वर के अनुग्रह में और इंसान के अनुग्रह में बढ़ते गए. समझ आ रही है? तो यीशु मसीह के पास एक उद्देश्य आने के बाद वो क्या करने लगे, वो अपने आप को टाइम देने लगे, उस उद्देश्य के अनुसार चलने लगे. समझ आ रही है? कौन मेरी बातें समझ रहे हैं? तो आपको भी यही करना है, अपने उद्देश्य, परमेश्वर का जो उद्देश्य है वो आपका उद्देश्य है. परमेश्वर ने क्या बोला है,
मती में कि जाओ और क्या करो, सुसमाचार सुनाओ। ये आपका उद्देश्य है, सुसमाचार सुनाना ये आपका उद्देश्य है, बीमारों को चंगा करना ये आपका उद्देश्य है। कोई बोलता है कि पास्टर जी मुझे अब मुझे अपना कॉलिंग नहीं पता। कॉलिंग क्यों नहीं पता आपको? इतने सारे मतलब इतने सारे साल से प्रभु के दास क्या कर रहे हैं, एक ही कॉलिंग के पीछे, पूरे दुनिया को बचाना है कि नहीं? कोई नबी नहीं बोलता कि मेरे पास डिफरेंट कॉलिंग है, नो, एक ही कॉलिंग है, परमेश्वर के दासों को इक्विप्ट करना, परिपक्व करना और सुसमाचार का काम बढ़ाना। ये हर एक पासवान का काम है, इवन ये बिलीवर्स का काम है। तो जब आप ये उद्देश्य को अपना बनाओगे, इसके अनुसार चलने की कोशिश करोगे, तब आप लाइफ में सक्सेस होगे। कौन मेरी बातें समझ रहे हैं? आप समझ रहे हो? एक वर्स पढ़ेंगे, उसके बाद मैं खत्म करूंगा। पहला कुरिन्थियों 9:25। सब प्रकार का संयम करता है, हर एक और पहलवान वो तो एक मुरझाने वाला मुकुट को पाने के लिए ये सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाते नहीं है। आपको समझ आ रही है? 27 पढ़े। 27। परंतु मैं अपनी देह को मारता और कुटता और बस में लाता हूँ, ऐसा न हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। बोलता है कि हर वो बंदा क्या करता है, उस मेडल को पाने के लिए अपने आप के लिए अब स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग में जाता है। वो कौन सी ट्रेनिंग? स्ट्रिक्ट, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? कठिन ट्रेनिंग। जो आपकी बॉडी बोलते हैं ना, बॉडी बोलते हैं मुझे पेन हो रहा है, पर आप अपनी बॉडी के पेन को नहीं सुन रहे हो, क्योंकि आपको मेडल पाना है कि नहीं? इसलिए मैंने आपको सबसे एग्जांपल दिया फुटबॉलर का। उनको यहाँ पर दर्द होता है, इधर दर्द होता है, उधर दर्द होता है, तभी भी वो मेडल के लिए क्या करते हैं, उस पेन को देखते नहीं है, वो ट्रेनिंग में रहते हैं। आमीन। तो परमेश्वर बोला तुम भी ऐसे ही ट्रेनिंग करो, ताकि उस मुरझाने जो एक एक, एक मुकुट है जो कभी मुरझाता नहीं है, जो प्रभु ने आपके लिए और मेरे लिए हेवन में तैयार करके रखा हुआ है। हालेलुया। आपको समझ आ रही है? पहला पत्रस 5:6, जल्दी से पढ़े। और दीनता से रहो, परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे क्या रहो? दीनता से रहो। बोलो दीनता से रहो, दीनता से रहो, जिससे वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाएगा। जो उचित है ना वो ठीक समय, बोलो ठीक समय। ठीक समय आपका काम है, उस पर्पज को पकड़ना, उसके अनुसार अपने आप को ट्रेंड करना। प्रभु का काम है ठीक समय पे उठाना। समझ रहे हो? आपको आपका दो काम है, प्रभु का एक काम है। वो आपको क्यों नहीं उठा रहा है आज, आपकी कर्जों से, आपको आपकी बीमारियों से? क्योंकि दो काम आप नहीं कर रहे हो। वो पहला काम क्या है? अपने उद्देश्य को पहचानना, जो बाइबल के सारे वचन आपके लिए उद्देश्य है, प्रभु का प्लानिंग है। दूसरा उसके अनुसार जीवन जीना है कि नहीं, उस उद्देश्य के अनुसार अपने आपको ट्रेंड करना। और तीसरा प्रभु बोलता है कि वो तुम्हें ठीक समय पे क्या करेगा, उठाएगा। कौन मेरी बातें समझ रहे? जो उठाने का मतलब है वो तुम्हें सिरोमणि बनाएगा, वो तुम्हें बड़ा करेगा। उस समय कोई आपको गिरा नहीं सकता, कोई नहीं बोल सकता कि मैं इसको गिरा दूंगा। नहीं, जैसे वो एक सिस्टर बोल रही थी कि मैं तुम्हारे मिनिस्ट्री को क्या कर दूंगा। नहीं, जब खुदा बढ़ाएगा आप घटा नहीं सकते हो। आमीन। जब प्रभु आशीष देगा आप उसको श्रापित नहीं कर सकते हो। जब प्रभु किसी को पूछ से वो सिर बनाता है, आप उसको पूछ नहीं बना सकते हो। जब प्रभु किसी को मैन ऑफ गॉड बनाता है, आप उसको सर्वेंट बना नहीं सकते हो। समझ रहे हो? एक टाइमिंग है मेरे भाई बहनों, जब आप उस टाइमिंग में पहुंच जाते हो, उसको बोलते हैं गॉड्स टाइमिंग इज अ बेस्ट टाइमिंग, है कि नहीं? जकरिया आपको बताए, यूहन्ना का जो डैडी था, बुढ़ापे में परमेश्वर ने इसको क्या दिया? औलाद दिया। बाबा कहती वो दशमांश देता था, प्रभु की विधियों के अनुसार चलता था, तभी भी उसकी पत्नी क्या थी? एलिशीबा बांस थी।
पर उन्होंने उस चीज को नहीं देखा। प्रभु चाहे दे ना दे, हम पवित्र टाइम में चलेंगे, हम अपने उद्देश्य में रहेंगे, ट्रेनिंग करेंगे, ठीक समय पे प्रभु हमें क्या करेगा, हमें बरकत देगा। ग्लोरी, अब्राहम पवित्रता में चलता रहा, चाहे प्रभु ब्लेस करे चाहे ना करे, और 25 साल के बाद बुढ़ापे में प्रभु ने उसको क्या दिया, इज़ाहाक दिया। इज़ाहाक का मतलब क्या पता है, हंसी। प्रभु ने अब्राहम को इज़ाहाक दिया इसलिए दिया ताकि जितने भी अब्राहम के दुश्मन जो अब्राहम के ऊपर हंस रहे थे, जब इज़ाहाक हुआ, इज़ाहाक आने का मतलब है अब्राहम उनके ऊपर हंस रहा है। अब समझ रहे हो, इज़ाहाक का मतलब है हंसना, खुशी। कौन-कौन मेरी बातें समझ रहे हैं? फेथफुलनेस में बने रहो, आप उद्देश्य को पकड़ो, उसके अनुसार ट्रेनिंग करो। आज रिजल्ट नहीं दिख रहा है, कोई नहीं, प्रे करते रहो, बीज बोते रहो। कितने लोग बोलते हैं मैंने बीज बोना छोड़ दिया क्योंकि कोई फल, पर आपने प्रे करना छोड़ा। चाहे काम हो चाहे आप प्रेयर करते हो, पर आपने बीज क्यों छोड़ा? आपको पता है रिजल्ट नहीं आ रही है, आपने नहीं बोया, पर आप प्रेयर कभी छोड़ते नहीं हो। इवन ये साइंटिफिकली प्रूफ है कि इवन एक एथिस्ट भी जो गॉड के ऊपर बिलीव नहीं करता ना, वो भी 2 मिनट प्रे करते हैं। एथिस्ट भी बोलते ओ माय गॉड, वो क्या कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं। है कि नहीं? उनका मुझसे कहा ओ माय गॉड, जो माय गॉड है वो यीशु है, क्योंकि जो तेरे अंदर खून है वो भी यीशु का है। समझ रहे हो? तो फेथफुलनेस में रहो आप। मैं रहा, मेरे पास सपना रहे, इन्होंने बीज बहुत बोया, अभी ये गॉड रहे। कब से इन्होंने बीज बोया पता है? 2016 से, जब से खुदा में आए, ये देते गए, कुछ नहीं आया। इवन मेरे कुछ फैमिली के कंप्लेन थे, आकाश तो समझा ये बहुत देती है, इसको रोकने के लिए बोल। आपको समझ आ रही है? पर आज हम क्या कर रहे, काट रहे। परमेश्वर का राज्य एक बीज है, जब आप बोते हो बाइबल की थी, वो एक राई के दाने के समान होगा, पर जब वो थोड़ा थोड़ा होता है, बढ़ता है, वो पेड़ बन जाता है। इतना ये देख रहे हो आप, थोड़ा थोड़ा ये बढ़ रहा है। अभी आप इसको पावर नहीं पता, पर जब बढ़ जाएगा इसके अंदर फल लगेगा। फिर एक बीज आपको 1000 फल देगा, 1000 फल के अंदर 1000 बीज होंगे। ग्लोरी, समझ आ रही है? इसलिए बाबा कहती है पुराने शुरुआत के दिन को तुच्छ मत समझो। जो आप ये देख रहे हो ना, ये शुरुआत है। जो ये आप चर्च देख रहे हो, ये शुरुआत है। जो आपका कपड़े देख रहे हो, ये शुरुआत है। आप नहीं समझ रहे हो, ये आपका शुरुआत है, ये बीज है, ये बीज बड़ा हो रहा है। आपको समझ आ रही है? प्रभु के राज्य में एक ही दिन में कोई बढ़ता नहीं है, पर जब वो उद्देश्य के अनुसार अपने आपको ट्रेंड करता है, प्रभु उसको राइट टाइम में ब्लेस करता है। समझ आ रही है आपको? आपको समझ आ रही है? तो आज से हार नहीं मानना, प्रेयर काम नहीं कर रहा, ऐसा नहीं है भाई। आप बैंक कर रहे हो, प्रेयर को आप डिपॉजिट कर रहे हो। कौन कौन डिपॉजिट करता है बैंक में? जितने आप डिपॉजिट करोगे, कहीं पर भी जाओ, एटीएम डालो, कोई ड्रॉल हो जाएगा, पैसे आ जाएगा। आज रिजल्ट्स नहीं आ रही है, इसका मतलब ये नहीं प्रेयर छोड़ दो। आज रिजल्ट्स नहीं आ रही है तो दसवांश बोना मत छोड़ो। रिजल्ट्स आर कमिंग इन द नेम ऑफ जीसस। आपको समझ आ रही है? मैं आपको सच बताता हूं, मैं बहुत रोता था पहले जब 21 में हमने मिनिस्ट्री शुरू किया। आपको पता है मैं रेंट देने में हमारे पसीने छूटते थे, रेंट देने में। पास सपना आया, जितने भी मिनिस्ट्री जो हमारे छोटे छोटे हमारे जो चर्च के, उनको पता है अपने पैसों से। उस समय डैडी जॉब नहीं करते थे, अपने पैसे से हम क्या करते थे, रेंट देते थे। एक दिन क्या हुआ, हमने चर्च का जो था निकालना, खाना में लगा देना, कुछ चीज़ लेके आ रहे, और अगले दिन क्या करना था, हमें रेंट वालों को पैसा देना था, वो भी 13,000-14,000 बिजली का बिल जोड़ के। और मैंने प्रेयर किया खुदाबंद, और उस समय हम एंजल्स के बारे में सीख रहे थे। मैंने बोला खुदाबंद तेरे एंजल्स आए और 15,000 डाल के जाए। और आज हमने यही था हमने खोला ना, उसमें क्या था, 14-15,000 था। और मुझे पता है वो हमारे विश्वासी नहीं है। वो एंजल्स है। आपको समझ आ रही है? एक सिस्टर थी जिसको क्या था, हार्ट अटैक आ गया। पहली विश्वासी तो 10 वांस देते थे, पहले विश्वास है, उसको हार्ट अटैक आ गया। मैंने खुदा को जब हॉस्पिटल में जाएंगे मैं और ये, मैंने खुदाबंद एक ही 10 वांस देने वाला था, इसको भी ले जा रहे थे। चर्च में कोई नहीं देता था, एक ही सिस्टर थी जो ताई देती थी। मैंने खुदा को बोला खुदाबंद इसको तू ले जा नहीं सकता, हमें अभी भी तेरे इसके ताइद की जरूरत है। आमीन। इसकी जब से ताइद आया चर्च में, थोड़ा
बल आया हुआ है। हमने प्रेयर किया, 2 घंटे के अंदर जो आंटी हार्ट अटैक से थी वो बोलने लगी मुझे अपने घर जाना है, मैं ठीक हो गई हूँ। मेरे बेटे कैसे, मेरे बहू कैसे, मुझे घर जाना है। डॉक्टर बोलने लगा आप रुक जाओ, बोलते मैं ठीक हूँ, मुझे छोड़ दो। आपको समझ आ रही है? ये पावर है जो काम हम करते हैं। इसलिए भलाई करना मत छोड़ो। ये मत बोलो आज रिजल्ट्स नहीं आ रहा है तो मैं अपना लाइफ ऐसे ही जीऊंगा। नहीं नहीं नहीं, आपको पता है परमेश्वर रिमाइंड करता है। पता है जकरिया को क्या बोलता है? मैंने तेरी प्रार्थना सुन ली हुई है। जकरिया बोलता कौन सी प्रेयर? क्योंकि बूढ़ा हो चुका था, उसने अपनी प्रेयर भी भूल गया। कभी किया होगा प्रभु तो लड़का दे दे हमें। मेरे एलिसिबा का बीबी को क्या कर दे? कोको खोल दे। बोलता कौन सी प्रेयर? बोलता तेरी बीबी क्या होगी? बच्चा को जनेगी। पता से करेगा? बोलता वो तो बूढ़ी है, इम्पॉसिबल। आपको समझ आ रही है? तो इसका मतलब ये दिखाता है कि आपका अभी का प्रेयर आप भूल जाओगे पर प्रभु भूलता नहीं है। मैंने बोला ना आपका प्रेयर लोडेड है हेवंस के बैंक में। कभी भी आप विड्रॉल को देखोगे पर आपको पर्पज को छोड़ना नहीं है। आमेन। ट्रेनिंग में रहना, पवित्रता में बने रहना, प्रेयर में बने रहना, मिड बार को नहीं छोड़ना। मिड बार का मतलब क्या है? जंगल को आपको, ये टीचिंग्स को आपको याद रखना है। कभी भी आपको जंगल से नीचे, जंगल से बाहर, आपको वहां पे बने रहना है। मतलब अपनी प्रेयर को आपको छोड़ना नहीं है। और मैं प्रोफेसी करता हूं पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा हमारे पूरे चर्च ब्लेस होता हुआ जाएगा बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरिट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। और मैं प्रार्थना करता हूं आप आत्मिकता में बढ़ते हुए जाओगे। जितने भी हमारे ऑनलाइन चर्च से देख रहे हैं, यीशु के नाम से आपके लाइफ से कर्जे हर वो चीज खत्म होते हुए जाए और समृद्धि को मैं रिलीज करता हूं इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। लास्ट चीज बोल के मैं खत्म करता हूं, ये प्रोफेसी है। जस्ट इमेजिन, आप प्रोफेसी सुनने के लिए रेडी हो? सुलेमान के पास खुदा आया, बोलता तुझे क्या चाहिए मांग? उसने क्या मांगा? बुद्धि मांगा। आप एक चीज मांगोगे वो आपको 10 देगा। बाइबल कहती है प्रभु ने उसको बुद्धि भी दिया, समृद्धि भी दिया, आदर भी दिया, पैसा भी दिया। ग्लोरी। उसने एक मांगा, प्रभु ने 3 दिया। आमेन। वही खुदा आपका और मेरा है। जब आप एक मांगते हो, एक के साथ वो आपको 2 फ्री कर देगा, 3 फ्री कर देगा। ये मेरी भविष्यवाणी है आपके लिए यीशु के नाम से। आप सोच रहे होगे मैं चर्च इसलिए आया मेरे कर्जे खत्म हो? नहीं। आप सोच रहे होगे मैं मुझे बच्चा मिल जाएगा? नहीं। प्रभु आपको क्या करेगा? आपको बच्चा भी देगा और आपको कर्जे से भी निकालेगा, आपको जॉब देगा, बिजनेस देगा, जिसमें आप बढ़ते जाओगे। हालेलुया। ये भविष्यवाणी है आपके लिए और मेरे लिए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। राखा जीरा बो सबरा दे दे रिकान दहार हे जरा हम रोक रहे। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। मानती लरा बो शाक्रा दे जरा हाक रहे दे हे यारा बा शाक्रा दे रहे। अपने हाथों को उठाए हर एक जन। परमेश्वर आज मैं प्रार्थना करता हूँ तेरे बच्चों के लिए लॉर्ड, तेरी ग्रेस, तेरी अनुग्रह तेरे बच्चों के ऊपर बढ़ते हुए जाए। पवित्र आत्मा का इनकाउंटर इनके जीवन में हो। प्रार्थनाओं में आप इनसे बातें करें, प्रार्थनाओं में तेरी उपस्थिति इनके जीवन में बढ़े। जो ऑनलाइन देख रहे प्रभु तेरी उपस्थिति, तेरी ग्रेस, तेरी फेवर तेरे बच्चों के लाइफ में बढ़ते जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। राखा जरा रे गा बड़ो रे गे जरा रे गरी जिब्रा मांदो रोहो क्रहा दे ही रबो शब्रा रे। ये हमारा साल क्या है चर्च का? 3रा साल है। आमेन। आपके लाइफ में 3 नए ब्लेसिंग्स आएंगे यीशु के नाम से दिस ईयर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। 3 ब्लेसिंग्स, बिग ब्लेसिंग्स। कौन सी ब्लेसिंग्स? बिग ब्लेसिंग्स, जिसको आप याद करोगे। यदि घर नहीं है आपका, एक ब्लेसिंग्स घर होगा। कोई चलने का साधन नहीं है, गाड़ी होगा, दूसरा ब्लेसिंग्स। कर्जा है, तीसरा ब्लेसिंग क्या होगा? आप आजाद होगे। ये 3 ब्लेसिंग्स खुदा हमारे चर्च को और ऑनलाइन चर्च को देगा इन द नेम ऑफ जीसस। ये आपका प्रमोशन है। हा हा हा। प्रभु से हमने मांगा नहीं, प्रभु जी आज हैप्पी एनिवर्सरी है, हमें क्या मिलेगा? प्रभु बोलता है 3 चीज, 3 ब्लेसिंग्स,
तीन बरकत मैं तुझे दूंगा। 2024 हमारे लिए ब्लेसड होगा। देखो बाकी चर्च का मुझे पता नहीं है, पर फैमिली ऑफ जीसस में जो मिनिस्ट्री में जुड़े हुए हैं, तीन बड़ी ब्लेसिंग्स मेरे और आपके लाइफ में है। आमेन। बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरिट हम एंजल्स को देखेंगे, हम परमेश्वर को देखेंगे प्रार्थनाओं में, दुआओं में, इन द नेम ऑफ जीसस। इनकाउंटर्स को हम देखेंगे, प्रभु और हमारा इनकाउंटर्स होगा, हम उसकी उपस्थितियों में बढ़ते जाएंगे। बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरिट, बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। हालेलुया। जितने भी लीडर्स है प्रभु आपके जीवन में